Hello students, myself Sucheta Rao और हम chapter number 1 class 6 का food where does it come from का part 2 आज करने वाले हैं. इस पूरे chapter को आज हम इस part में complete करने वाले हैं. Part 1 में हमने discuss किया था food क्या होता है, कहां से मिलता है, इसके sources animal source होते हैं, plant source होते हैं और food की हमें क्यों जरूरत होती है, क्योंकि food जो होता है वो हमारे जितने भी worn out cells होते हैं, जो हमारे cells को पोषण देने का काम करता है, हमें energy देता है. अगर food नहीं होगा तो हम लोग survive नहीं कर पाएंगे. तो आज हम आगे बढ़ते हैं. Last class हमने discuss किया था ingredients यानी कि food item. कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लगता है, तो उसी के मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए हैं, जिससे आपको ये पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है. जैसे कि दाल, दाल जब भी हम पकाते हैं तो उसके लिए हमें कच्ची दाल यानी पल्सेस लगते हैं, वाटर, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस, काफी सारी चीजें लगती है. इसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिया है खीर का. जब भी खीर बनती है आप देख लीजिए, उसके अंदर चावल की खीर होती है तो चावल होता है, दूध होता है, शक्कर होता है, साबूदाना की खीर होती है तो अंदर साबूदाना होता है. यानी इंग्रेडिएंट्स चेंज होते रहते हैं किसी एक फूड आइटम को पकाने के लिए. इसके बाद देख लेते हैं हम इडली. इडली के लिए हम लोग राइस यूज करते हैं, एक कोई दाल यूज करते हैं, स्पेशली उड़द दाल यूज करते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है और खटास लाने के लिए उसके अंदर कर्ड भी हम लोग यूज करते हैं. तो समझ लेते हैं यार कि सोर्सेस ऑफ फूड, फूड हमें कहाँ से मिलता है. तो फूड हमें इंसानों को बेसिकली प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है. एनिमल्स का हम मीट, मांस वगैरह खाते हैं और उनके मिल्क प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, यानी कि दूध, दूध से बनने वाली दही हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सारी चीजें हो गई. और प्लांट्स के भी हम बहुत सारे पार्ट्स खाते हैं जो हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूं कि प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं. प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उनके अंदर ही उनका किचन होता है. तो अभी हम जान लें कि प्लांट्स कैसे अपना खाना खुद पकाते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फिगर ड्रॉ करके रखा है, जिस फिगर में आपको एक प्लांट का स्टेम दिख रहा है, उसके नीचे के रूट्स दिख रहे हैं, एक लीफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने सन ड्रॉ किया है और नीचे से ऊपर की ओर पे पानी जो है रूट्स के द्वारा ऊपर की दिशा में पानी आ रहा है. प्लांट्स की लीफ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को ऐड कर रहे हैं. अब वो भी कहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि प्लांट्स दिन में यानी सुबह के समय हमें सन देखने को मिलता है. तो प्लांट्स दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं और बाहर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं. रात के समय में ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, प्रोसेस पूरी उल्टी हो जाती है. प्लांट्स भी रात के समय में ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी रात के समय में ऑक्सीजन लेते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की हमें डेफिशिएंसी हो सकती है. चलिए आ जाइए वापस से. लीफ ले लिया है, अब हमने लीफ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐड करवा रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. अब ये जो लीफ होता है इसके अंदर बहुत छोटे 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 से होल्स होते हैं, जैसे हमारी त्वचा के अंदर, हमारी स्किन के अंदर. स्किन को बायोलॉजी में एपिडर्मिस कहा जाता है. इसके अंदर छोटे 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 होल्स होते हैं जिसके बाहर, जिससे बाहर हमारा पसीना बाहर आता है, उसी तरह प्लांट्स के छोटे छोटे होल्स होते हैं. इन होल्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं. स्टूडेंट्स बड़ा ही ध्यान से प्रोसेस समझ लीजिएगा, ये प्रोसेस इस साल भी है, आपके 7th में भी काम आएगा, 8th, 9th, 10th, मतलब ये आपका बेसिक समझ लीजिए, फंडामेंटल है. तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा कि हम इस छोटे छोटे होल्स को स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट. स्टोमेटा के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करता है एक पिगमेंट, एक कलर, एक लिक्विड जैसा, क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं. स्टोमेटा के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है. पिगमेंट माने कलर है, इसलिए तो हमें प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं और इसीलिए सिर्फ ग्रीन कलर के प्लांट्स ही अपना खाना खुद बनाते हैं और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं.
प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट हमें मिलती है सन के द्वारा, और सिंथेसिस मतलब होता है बनाना. फोटो का मतलब होता है लाइट. लाइट की मदद से हम जो खाना प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स जो खाना प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसके बाद हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस स्टैंडर्ड में आपके इक्वेशन एग्जाम में शायद आए या ना आए, लेकिन ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है और हमारी लाइफ के लिए, हमारे आने वाले सालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये तो हमें समझ में आ ही गया है कि सनलाइट और बिना पानी के अगर प्लांट जीवित ही नहीं होगा, पानी ही नहीं होगा तो प्रोसेस करेगा ही नहीं. तो सनलाइट और वाटर, वो भी लाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल होना जरूरी है. जो एरो होता है इसके ऊपर हम जो भी लिखते हैं मतलब उस चीज का होना बहुत जरूरी है उस प्रक्रिया के अंदर. सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी देता है, और साथ में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को ये जो है बाहर रिलीज कर देता है, जो हम लोग रिस्पायर करते हैं और इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. अब ह्यूमंस एनिमल्स जो है ये सब लोग अपना खाना खुद हम नहीं पकाते, हमारे शरीर में हम अपना खाना नहीं पकाते हैं, और प्लांट्स से लेते हैं, तो प्लांट्स प्रोड्यूसर हो गए और हम कंज्यूमर हो गए. चलिए अब देखते हैं आगे. Those parts of plants that we eat are called edible parts. ऐसे प्लांट के जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिनको हम खाते हैं, उनसे उन्हें हम edible parts कहते हैं. जैसे कि cereals, cereal मतलब अनाज, जैसे कि हो गया wheat, maize, ज्वार, बाजरा, ये सब हो गया हमारा cereals. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, wheat, बाजरा, शुगर. शुगर हमें किससे मिलती है? शुगर हमें शुगर केन से मिलती है, गन्ने से हमें शक्कर मिलती है, गन्ने के रस से ही हमें शक्कर मिलती है. बेवरेजेस का मतलब होता है जो हम लिक्विड पीते हैं. अब आप सोच रहे होंगे लिक्विड भला हमें कहाँ से मिलता है? लिक्विड हमें मिलता है टी, कॉफी, ये सब जो है बेवरेजेस में आता है, जो हम पीने के लिए लेते हैं. और चाय और कॉफी, ये सब जो है कॉफी प्लांट और टी प्लांट में से ही हमें मिलते हैं. इसके बाद ऑयल्स आ गए. कितने तरह के ऑयल्स होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का तेल. तो ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है. स्पाइसेस मतलब मसाले हो गए, चाहे वो चिली हो या फिर वो हमारे क्लोव्स हो, हमारा कोरिएंडर होती, सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है. फ्रूट्स बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये फ्रूट्स जो होते हैं ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाते हैं. फ्रूट से हमें ज्यादातर विटामिन सी भी मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है, फ्रूट से हमें ज्यादातर विटामिन मिलते हैं. वेजिटेबल्स, सब्जियां, ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट. अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट के हिस्से हैं जो हम खाते हैं. हम सिर्फ प्लांट पे उगे हुए फ्रूट्स नहीं, बल्कि प्लांट के बहुत सारे हिस्से भी खाते हैं. देख लेते हैं कैसे खाते हैं. रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, बर्ड भी खाते हैं, और सीड भी खाते हैं. इनके एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं कि रूट में हम कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, और टर्निप खाते हैं. कैरेट मतलब गाजर. हमेशा देखिएगा हम गाजर को ऐसे जमीन में से, जमीन के अंदर होती है और उसे निकाल कर खाते हैं. रेडिश आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मूली, क्योंकि मूली के पीछे पत्ते लगे होते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो मूली पे छोटे छोटे रूट्स भी निकल के आए होते हैं, गाजर पे भी छोटे छोटे से रूट निकल के आए होते हैं, तो आप समझ जाएंगे. स्टेम जो होता है वो हम पोटेटो, ऑनियन, गार्लिक, शुगर केन. अच्छा एग्जाम्पल आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शुगर केन जो होता है उसके ऊपर भी खूब सारे पत्ते होते हैं, नीचे भी रूट्स होते हैं, और वो पूरा स्टेम होता है जिसको हम काट काट कर खाते हैं. फिर आ गया लीफ. लीफ को सब जानते हैं कि हम लोग धनिया की पत्ती या पालक के पत्ते, ये जो भी पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, कैबेज, कोरिएंडर मतलब धनिया, तो ये सब लीफ में आ गए. उसके बाद हम देख लेते हैं फ्लावर. फ्लावर बनाना ही फ्लावर है, बनाना फ्लावर,
फिर ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बनाना का फ्लावर जो हम खाते हैं, ब्रोकली यानी एक तरह की गोभी होती है, कॉलीफ्लावर भी जिसे हम गोभी कहते हैं, बट मतलब पेड़ के यहाँ से कोई भी छोटा सा ये जो हिस्सा निकल आता है इसे हम बर्ड कहते हैं। तो बर्ड के लिए एग्जांपल है क्लोव्स। क्लोव्स माने आपकी ये जो होती है लौंग, जिसे लौंग कहते हैं, जो मसाले में या तड़का डालने में हम लोग यूज करते हैं। फिर आगे सीड्स, तो वीट हो गया हमारा, कॉर्न हो गया, मक्के के दाने, ये सब सीड्स ही है। किडनी बीन्स को हम राजमा भी कहते हैं। तो ये सब हमारे हो गए अलग अलग पार्ट्स हो गए प्लांट्स के जो हम यूज करते हैं अपने खाने में। अब देख लेते हैं कि सम प्लांट्स हैव मोर देन वन ईडेबल पार्ट्स। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा हिस्से हम उसके कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, सीड्स और लीव्स जिसके हम खाते हैं वो है मस्टर्ड का प्लांट, जिसके बीज भी हम खाते हैं और जिसके लीव्स भी हम खाते हैं। प्लांट्स आर ईडेबल, मस्टर्ड प्लांट्स आर ईडेबल, बोथ द स्टेम ऑफ फ्लावर एंड बनाना प्लांट आर यूज्ड आर ऑल्सो ईडेबल। जो बनाना प्लांट होता है उसका स्टेम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसका फ्लावर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हम दोनों चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं। स्प्राउट्स, हाँ स्प्राउट्स, स्प्राउट्स मतलब ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, मूंग। आप आपके घर में पकता ही होगा, मम्मी बनाती होंगी, और आप देखिएगा कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसका पिक्चर दिया हुआ है। स्प्राउट्स जो होते हैं ये मूंग का दाना है और इसको हमने भिगो के रखा और कुछ दिन गीले कपड़े में बांध दिया, तो इसके पीछे से इसकी एक पूंछ निकल आई है, यानी पूरा उग गया है, जर्मिनेट हो गया है। तो जर्मिनेटेड सीड्स विच आर ईटन एज रॉ, इसको हम कच्चा भी खा लेते हैं और इसको हम पका के भी खा लेते हैं। आपने चना मसाला खाया होगा, चाट खाया होगा, तो ये सब वैसे ही बनता है एज रॉ और कुक्ड। इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स बाय सोकिंग देम इन वॉटर फॉर फ्यू आवर्स, हम लोग इसको प्रैक्टिस यानी कोशिश कैसे करते हैं, हम लोग इसको भिगोते हैं कुछ 3-4 घंटे जितना इसको पानी में रखते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको देन टाइम देम इन वेट क्लोथ फॉर फ्यू डेज, और इसको हम 2-3 दिन के अंदर, 3-4 दिन तक इसको हम लोग गीले कपड़े के अंदर अच्छे से बांध देंगे, तो इसके पीछे से रूट निकल आएगा, ये उग जाएगा, इस कॉल्ड स्प्राउटिंग, और इस प्रोसेस को हम स्प्राउटिंग कहते हैं। स्प्राउट्स आर मूंग, स्प्राउट्स ऑफ मूंग बीन और चिकपी आर वेरी न्यूट्रिशियस। चिकपी मतलब चना, चना उगा हुआ चना, तो ये जो होते हैं इनके स्प्राउट जो होते हैं वो बड़े ही न्यूट्रिशियस होते हैं। इनको हम मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमने प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड तो देख लिया है, अब हम लोग एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड भी देख लेते हैं कि एनिमल्स किस तरह से हमारे लिए फूड का एक जरिया बनते हैं। हमें मीट मिलता है, एग मिलता है, मिल्क मिलता है, ये सब हमें एनिमल्स से मिलता है। मीट हमें गोट, चिकन, फिश, इन सब से मिलता है, और मीट जो होता है हाई इन प्रोटीन होता है। स्टूडेंट्स मैं जितना भी बोर्ड पे लिखती हूँ, मैं जितना भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपने उतनी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया, उसके नोट्स बना लिए और आपने प्रिपेयर कर लिया, तो आपको फिर दोबारा किसी भी रेफरेंस बुक में से रट्टा मारने की वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने के अंदर सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। तो मीट जो होता है वो हाई इन प्रोटीन होता है। इसके बाद एग, एग हमें हैंस से मिलता है, मुर्गियों से, डक्स के भी एग होते हैं, और वो भी कुछ लोग खाना पसंद करते हैं। और जो एग जहाँ से प्रोड्यूस होता है, बड़ी मात्रा में एग्स को लेना, बेचना, बनाना, ये सब जहाँ चलता है उसे हम एग्स को हम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कहते हैं, और ये पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर इनकी मतलब इनकी तादाद को बढ़ाया जाता है बेचने के पर्पज से, इकोनॉमिक पर्पज से। और एग्स जो होते हैं वो रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, एग्स बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन्स एंड विटामिन्स में। इसके बाद मिल्क, मिल्क जो है वो हमें गाय, भैंस, शीप्स, इन सब से मिलता है, गोट से मिलता है, और मिल्क के अंदर
सारे के हमारे सारे हमारे जो मेन फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, ये सब कुछ होता है मिल्क के अंदर, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। हनी, हनी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हनी जो है उसके अंदर इतनी सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी है। मतलब आप ये देखिए, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के कभी किसी संपर्क में आए हो या किसी को देखा हो, तो हमेशा वो लोग दवाई को जो है शहद के साथ मिलाकर चाटने के लिए, खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि शहद जो होता है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और शहद कितना भी पुराना हो जाए वो कभी भी सड़ता नहीं। अगर वो ओरिजिनल हनी है तो वो बिल्कुल नहीं सड़ेगा, इसलिए काफी लंबे समय तक हनी चलता है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हनी बीज। हनी जो होता है वो मधुमक्खियों से बनता है, वो उनके मुंह में जो है, जैसे हमारे मुंह में सलाइवा होता है, वैसे उनके मुंह में एक एंजाइम होता है जिससे वो फूलों के ऊपर के जूस को, नेक्टर जिसे कहते हैं, फ्लावर के जूस को हम नेक्टर कहते हैं, उस जूस को सक करती है, अपने मुंह के अंदर वो प्रोसेस करती है और उस एंजाइम से मिलकर, जो वाटर शुगर सब मिलकर फूलों के रस से, और वो फिर उसको हनी बना देती हैं। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। इट कंटेन्स शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स मतलब उसके मुंह के जो भी एंजाइम्स होते हैं वो सब उसके अंदर मिक्स होते हैं। हनी बी ट्रांसफॉर्म्स नेक्टर इंटू हनी बाय द प्रोसेस रेगरगिटेशन। तो रेगरगिटेशन करके ये जो नेक्टर को कन्वर्ट कर देती है हनी के अंदर, एंड स्टोर इट एज अ प्राइमरी फूड सोर्स इन वैक्स हनी कॉम्ब्स इनसाइड द बीहाइव। तो बीहाइव आपको पता है कि मधुमक्खी का छत्ता इस तरह से बना रहता है और इसके अंदर ये जो है उसको स्टोर कर देती है। हनी इज इजीली डाइजेस्टेड एंड हैज ग्रेट मेडिसिनल वैल्यूज। हनी जो है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और ये हनी जो मधुमक्खियों की खेती भी की जाती है और जिसको हम एपिकल्चर कहते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, अंडों के लिए हम लोग मुर्गी का पालन पोषण करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, उसी तरह से हनी बी को भी जो है बड़े पैमाने पे फूलों की खेती करके हनी बी को भी वहां पे लाया जाता है और उस प्रोसेस को हम एपिकल्चर कहते हैं। हनी बी की खेती को, रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल फॉर कलेक्टिंग हनी इज कॉल्ड एपिकल्चर। बड़े पैमाने पे हम जो हनी बी की खेती करते हैं हनी को पाने के लिए, उसे हम एपिकल्चर कहते हैं। इसके बाद अब हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, एनिमल्स जिसके अंदर हम भी आ गए कि भाई हम लोग किस हम लोगों को क्या कहा जाता है, हम लोग क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं। तो ये उस क्लासिफिकेशन को हमने कर रखा है, एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट। तो ऐसे चार प्रकार के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। हर्बीवोर्स, हर्बी, हर्बी का मतलब होता है प्लांट और वोर मतलब ईटर। जो प्लांट खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि गोट, काउ, शीप, और उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं यानी आगे वाले दांत जो, जिसको हम कहते हैं इनसीसर्स, ठीक है, ये बड़े शार्प होते हैं, तो ये किसी को भी अपने दांतों से, आगे वाले दांतों से पेड़ की पत्तियों को तोड़ तोड़ के अच्छे से चबा के खा लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो होते हैं, कार्नी मतलब मीट, वोर मतलब ईटर। जो लोग मीट खाते हैं वो होते हैं हमारे कार्निवोर। एग्जांपल हो गया लायन, टाइगर, स्नेक, ये सब जो है कार्निवोर है। और इनकी जो केन, ये जो साइड वाले दांत जो होते हैं, ये बड़े तीखे तीखे होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे ये किसी भी मांस को जो है ऐसे साइड से फाड़कर और खा लेते हैं। और इनके क्लॉज यानी जो पंजे होते हैं ये भी बड़े शार्प होते हैं, ताकि वो उसको फाड़ फाड़ कर, किसी भी एनिमल को फाड़ कर अच्छे से खा सके। तो ये इसके लायन, टाइगर, स्नेक इसके एग्जांपल्स हो गए। फिर हम देख लेते हैं ओमनीवोर। ओमनी का मतलब होता है ऑल, जो सब खाते हैं, जो मांस भी खा सकते हैं और जो पेड़ पौधे भी खा सकते हैं, ऑल ईटर। ओमनी मतलब ऑल, वोर मतलब ईटर। एग्जांपल हो गया बियर मतलब भालू, क्रो कौवा, कौवा रोटी भी खा लेता है, कौवा किसी मरे हुए प्राणी को भी नोच नोच के खा लेता है, ह्यूमंस, ह्यूमंस भी नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं और वेजिटेरियन भी होते हैं। इसके बाद आते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर मतलब जो
किसी भी चीज को कंपोज कर दे, डिकम्पोज कर दे, जमीन में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, तो छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि कोई भी प्लांट का बचा कुचा कोई पार्ट पड़ा हो या कोई भी एनिमल मर गया हो सड़क के किनारे, तो ये अपने आप बैक्टीरिया और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फंगी, तो ये लोग काम करते हैं उनको मिट्टी में मिलाने का, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इसके बाद एक और है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ये इक्का दुक्का होते हैं, इसीलिए इनको हमने ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, अलग से इनको क्लासिफिकेशन नहीं दिया है। हाँ, लेकिन स्कैवेंजर्स भी होते हैं, एनिमल्स लाइक जैकल्स एंड वल्चर्स, जो बड़े बड़े गिद्ध और ये होते हैं, ये कोई भी एनिमल मर जाता है, मतलब मरे हुए प्राणी, डेड एनिमल्स को नोच नोच कर खाते हैं, जिंदा को नहीं खाते हैं, तो डेड एनिमल्स को खाने वाले जो होते हैं उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। और अब मरे हुए जानवर को खाएगा, मतलब वो अर्थ पे से जो मरे हुए जानवर की कितनी बदबू आती है और वो किसी काम का नहीं रहा, तो उसको वो खा जाते हैं, तो दे हेल्प इन कीपिंग द अर्थ क्लीन, तो ये अर्थ को साफ करने में हमारी मदद भी करते हैं, तो इनको क्लीनर्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। अब इस चैप्टर का आखिरी एक छोटा सा टॉपिक हो जाए कि सम स्टेप्स टू अवॉइड फूड वेस्टेज, कि किन स्टेप्स को लेकर हम फूड के वेस्टेज को रोक सकते हैं। फूड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। आप सब जानते हैं कि हम अपनी थालियों के अंदर, प्लेट के अंदर किसी भी पार्टी शादी फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा खाना ले लेते हैं, और उसके बाद वो खाना हम खा नहीं पाते और उसे हम फेंक देते हैं, जबकि बहुत सारे लोग भूखे पेट सोते हैं और जानवरों को भी खाना ढंग से नहीं मिल पाता। तो हमें ये स्टेप्स क्लास 6 में ही सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपकी वो एज हो गई है जब आप समझना, आपको ये सब चीजें समझना चाहिए। वी शुड नॉट ईट एक्सेस, और हमें ज्यादा भी खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज हम जब ज्यादा खाते हैं तो हम बहुत ही मोटे हो जाते हैं, हमें हमारा फैट बढ़ जाता है, और ओबेसिटी एक बीमारी है। ओबेसिटी मतलब हम बहुत ही मोटे हो जाते हैं, मोटापा जिसे कहते हैं। तो वी शुड नॉट ईट एक्सेस बिकॉज इट विल लीड टू ओबेसिटी, एंड शुड नॉट वेस्ट और थ्रो फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर इन द प्लेट, जो खाना बच जाता है उसको ऐसी डस्टबिन में या कचरे के डब्बे में नालियों में फेंकने से बेटर है कि अगर कोई गरीब हमें दिख रहा है या कोई जानवर हमें दिख रहा है तो हम उसे दे दें, कम से कम उसका पेट भर जाए। वी शुड स्टॉप द स्पॉयलेज ऑफ फूड, इतना सारा पका दिया फिर रख दिया फिर नहीं खाना है, या फिर अगर खाना बाहर पड़ा हुआ है किचन में और उसको मतलब सड़ जाएगा तो हमें उसको फ्रिज में रखना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जिससे हम फूड को बचा सकते हैं, क्योंकि फूड के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आप ये सारे के सारे नोट्स जस्ट अगर एक बार रिवाइज भी करेंगे, मैंने सब शॉर्टेस्ट नोट्स बनाने की कोशिश की, अगर आप इसको एक बार रिवाइज भी करेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कम्प्लीटली हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।